हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा वीडियो बीएड सेकंड सेम का जो मैं स्कूल मैनेजमेंट का टॉपिक शुरू करवाया कल आप लीडरशिप किया लीडरशिप तो बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जिन्होंने आप प्रिंसीपल या फिर मुख्य अध्यापक के नाम जानते हैं। अब आप इस टॉपिक के ऊपर अपनी डिस्कशन करेंगे। सब तो पहला आप कहने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सब तो पहला इंस्टीट्यूशन का हेड होने तो पहला मुख्य अध्यापक होने तो पहला की होंगे वह एक अध्यापक होंगे। अध्यापक के तौर पर अपनी भूमिका निभा के ही मुख्य अध्यापक की भूमिका निभा है। मुख्य अध्यापक भूमिका जो निभा है तो ऑलमोस्ट जिन्ना भी स्कूल एक स्कूल का जो भी ढांचा है ऑलमोस्ट ओके आले दुआले ही घूमता है। कहते भी एक स्कूल कहोजा होगा वह स्कूल के प्रिंसीपल की शख्सियत उत्ते निर्भर करता है। जिस तरह प्रिंसीपल की शख्सियत होगी उस तरह का स्कूल ही उस तरह के स्कूल के एटमोसफेयर से प्रभाव होगा। डॉक्टर जसवंत सिंह के अनुसार मुख्य अध्यापक स्कूल का वह धुरा होंगे जिसके आले दुआले स्कूल की उन्नति विकास से सफलता निर्भर होंगी। मतलब मेन जो स्कूल का धुरा की है प्रिंसीपल है ओके उत्ते ही स्कूल की उन्नति किवें होगी, स्कूल का विकास किवें होगा, स्कूल की सफलता किवें होगी कि निर्भर करती है स्कूल के प्रिंसीपल उत्ते निर्भर करती है। तो क्वालिटीज ऑफ हेडमास्टर हूं आप कहने एक स्कूल का पूरा ढांचा हेडमास्टर के उत्ते निर्भर कर रहा है तो कुछ क्वालिटीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सब तो पहली क्वालिटी है उच्ची योग्यता का मालिक वैल क्वालिफाइड। जिहड़ा स्कूल का प्रिंसीपल है सब तो पहली कंडीशन है वैल क्वालिफाइड होना चाहिए। जिन्हां भी एक इंस्टीट्यूशन द्वारा जो योग्यतावां रखिया हों पूरी करता हो क्वालिफिकेशन पूरी हो जो भी एम ए एजुकेशन या बी एड जो भी क्वालिफिकेशन है वह कंप्लीट करता हो वैल क्वालिफाइड हो अपन डिग्रिया के प्रति समानता भी रखता हो अपने सब्जैक्ट के मास्टर हो। सब तो पहला अध्यापक कोई भी स्कूल का जो मुख्य अध्यापक होंगे सब तो पहला की होंगे अध्यापक होंगे एज बीइंग अ टीचर की करता अपनी पार्टीसिपेशन दिता स्कूल उस बाद कुछ साल एक्सपीरियंस के बाद ही मुख्य अध्यापक की कुर्सी के उत्ते पहुंचता है। सब तो पहला की होंगे अध्यापक मतलब उन्होंने आपके विषय के पकड़ होनी चाहिए महारत होनी चाहिए ताकि स्कूल अगे वधिया ढंग सुचारू तरीके चला सके। गुड एडमिनिस्ट्रेटर हुण एक मुख्य अध्यापक दे विच एडमिनिस्ट्रेटर प्रबंधक दे गुण होने बहुत जरूरी है क्योंकि स्कूल दे मुख्य अध्यापक दी भूमिका की होंदी है स्कूल दे पूरे प्रबंधक ढांचे नूं संभालना स्कूल दे जिन्ना भी है पूरियां गतिविधियां दा संगठन करना। इसलिए जे स्कूल दा हेडमास्टर एक वधिया एडमिनिस्ट्रेटिव पार रखदा होगा तां ही उह स्कूल नूं एक संगठित तरीके नाल चला सकदा है। उस तो बाद आने वेल बैलेंस पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी इस तरह की होनी चाहिए बैलेंस पर्सनैलिटी होनी चाहिए ओवरलुक भी नहीं होना चाहिए तो ड्यू लुक भी नहीं होना चाहिए। मतलब एक वैल बैलेंस पर्सनैलिटी होनी चाहिए मतलब पर्सनैलिटी इस तरह की हो दूसरे को प्रभावित करे जो कुछ कवे चाहे टीचर है चाहे स्टूडेंट जो अपने विचार उन्होंने सामने रखे तो इस प्रभावशाली तरीके रखे भी सामने वाला ऑटोमैटिकली मजबूर हो जाए विचार तो प्रभावित होने ठीक फैसले। उस तो इलावा जो भी स्कूल दे विच आपां देखदे हां कि बहुत सारे डिसीजन हुंदे आ अध्यापकां दे लैवल ते हुंदे आ विद्यार्थियों के लैवल ते हुंदे आ ईवन बोर्ड वालों कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन आंदियां रहिंदियां उहदे अकॉर्डिंग जो भी प्रिंसीपल होंदे उहदे डिसीजन लैणे हुंदे आ उहदे डिसीजन की होने चाहिए वैल डिसीजन होने चाहिए सही राइट डिसीजन होने चाहिए ताकि स्कूल नूं एक अलग सक्सैस दी ऊंचाइयां तक उह पहुंचा सके। समाजिक तौर पर मिलनसार हूं देखो एक स्कूल का प्रिंसीपल उहनूं बहुत जने मिलन आते हैं बहुत जने जिवें आपां कह सकदे बोर्ड दे विच कोई लोग मिलन आ रहे हैं स्कूल दे विच इन्ने सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्होंने मापे पेरेंट्स मित्र दोस्त ईवन जो टीचर है इंटरव्यूज भी आ रहे तो बहुत सारिया पर्सनैलिटीज होंगे जिन्होंने मुख्य अध्यापक ने मिलना होंगे। इसलिए आप कह सकते समाजिक तौर पर जो मुख्य अध्यापक है मिलनसार होना चाहिए वॉयस उसकी मिठी होनी चाहिए है प्लेजेंट नेचर का होना चाहिए सब खुल के हस के मिलन वाला होना चाहिए। अ मैन ऑफ सैल्फ कॉन्फिडेंस सैल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है क्योंकि मुख्य अध्यापक ने बहुत सारा डिसीजन लेने होंगे जो जो खुद सैल्फ कॉन्फिडेंस होगा ता ही इन्फ्लुएंस पा सकूगा टीचर के उत्ते भी स्टूडेंट उत्ते भी। इसलिए अ मैन ऑफ सैल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए एक स्कूल के प्रिंसीपल दे विच सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यह सी क्वालिटीज ऑफ हेडमास्टर। उस तो बाद नैक्सट आप कॉन्टीन्यू करते हैं नोट कर लियो स्टूडेंट नाल दी नाल ताकि तुहानू कोई दिक्कत ना आवे। आई होप इन्हां वीडियोज नाल तुहानू काफी हेल्प मिल रही होगी इन योर सब्जेक्ट मैटर। नैक्सट है फंक्शन फंक्शन की परफॉर्म करता है एक स्कूल का प्रिंसीपल। तो सब तो पहला है प्लैनिंग योजनाबंदी जिन्हों आप कह दें पंजाबी नोट कर सकते प्लैनिंग जिन्होंने योजनाबंदी कह देंगे सब तो पहला काम है स्कूल के हेडमास्टर का प्लैनिंग कदम प्लैनिंग किसी भी लैवल उत्ते हो सकती है। सैशन के शुरू च बहुत सारिया प्लैनिंग्स होंगे पहला जो आप प्लैनिंग देखिए स्कूल के किन्ने कमरे है कि होर बिल्डिंग की जरूरत है होर रूम की जरूरत है रूम जो हवादार है सारिया फैसिलिटी स्टूडेंट लिए अवेलेबल है ये प्लैनिंग होगी बाकी
फॉर्मेटिव एग्जाम्स कदों लेने हैं, सिमुलेटिव एग्जाम्स कदों लेने हैं, किस तरह टेस्ट होंगे, बोर्ड ने की कंडक्ट किया है, टीचर्स या एक्टिविटीज की होंगी स्टूडेंट, मतलब ओवरऑल ही क्लियर दे विच जो भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो सारिया ही हेडमास्टर ने प्लान करनिया होंगे साल के शुरू दे विच। सेकेंड आ गया प्रशासनकारी ते प्रबंधकारी, प्रशासनकारी आते प्रबंधकारी जिन्हों तुसी इंग्लिश कह सकते हो ऑर्गेनाइजिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव। हुण देखो प्रशासनकारी ते प्रबंधकारी, प्रशासन चलाना भी है ते प्रबंधकारी भी करनी है। प्रशासन चलाने का मतलब ही होंदा कि इन्ना को दा इन्फ्लुएंस होनी चाहिए उहदे अध्यापकां ते ते उहदे स्टूडेंट्स दे उत्ते भी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन एक स्कूल दे विच बनाए जांदे आ बहुत चंगी तरह बनाए जांदे आ ते बहुत चंगी तरह लागू होण, स्टूडेंट्स भी उहनां नूं मनन ते टीचर्स भी उहनां नूं मनन, प्लस प्रबंधकारी भी करनी है। स्कूल दे विच किसे चीज की कमी है उस कमी नूं किवें पूरा करना है वह भी स्कूल दे प्रिंसीपल दी रिस्पोंसिबिलिटी बनती है। थर्ड आ गया सुपरविजन, सुपरविजन दे विच की किया जाऊगा, टाइम टाइम ते जो भी एक्टिविटीज जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन एक प्रिंसिपल ने बनाए उन्हें सुपरविजन करनी बहुत जरूरी है कि टीचर अपनी एक्टिविटीज सही ढंग नाल लागू कर रही है, अपना रही है, सही ढंग नाल बच्चे एजुकेशन दे रही है, कि बच्चे सही ढंग नाल टीचर की आज्ञा का पालन करे, जो भी एक स्कूल दे नाल रिलेटेड कंट्रोल रखना है सुपरविजन करनी है, यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेडमास्टर की होंगी है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग गाइडेंस, प्रोवाइडिंग गाइडेंस हूं एक स्कूल बहुत किस्म की गाइडेंस की जरूरत पैंती है, एक बोर्ड वालों की नोटिफिकेशन आ रही है फॉर द टीचर फॉर द स्टूडेंट, टाइम टू टाइम है टीचर से स्टूडेंट लिए नोटिफिकेशन आदि रहेंगे, उन्होंने नोटिफिकेशन किस तरह गाइड करके टीचर स्टूडेंट तक पहुंचाना है दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रिंसिपल। लास्ट पॉइंट इज टीचिंग, टीचिंग हम एक आप कहने जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल होने तो पहला होंगे टीचर होंगे अध्यापक होंगे, इसलिए टीचिंग के स्किल्स होना बहुत जरूरी है। स्कूल के मुख्य अध्यापक चाहिए भी वह की करे, मतलब किसी ना किसी क्लास में जाके रूटीन एक जरा है पीरियड जरूर लवे जिसे की है स्कूल एक तो मॉरल वैल्यूज बारे बच्चों को दस सकते हैं, बाकी स्टूडेंट नाल इंटरैक्शन बनाई रखते हैं, कमियां का पता चलता है स्टूडेंट के विच की कमी है टीचर के विच की कमी है, वह सारिया चीजा उन्होंने पता लगता रहता है। यह ता ही होगा जे एक प्रिंसिपल के विच टीचिंग के गुण भी होंगे तो टीचिंग इज मस्ट फंक्शन इन अ प्रिंसिपल। नेक्स्ट चैनल आ जाता है अपना अगे अपना टॉपिक है रोल एंड रिलेशनशिप ऑफ हेडमास्टर विद द टीचर एंड विद द स्टूडेंट। पहला आप करांगे एदा जेड़ा रोल है विद द टीचर, रिलेशनशिप विद द टीचर, हेडमास्टर दी रिलेशनशिप विद द टीचर की पॉइंट बना सकते हैं, रिलेशनशिप ऑफ हेडमास्टर विद टीचर। सब तो पहला टीचर्स नालों की रिलेशनशिप किस तरह की होगी, सब तो पहला पॉइंट आएगा फ्रेंडली रिलेशन। हुण जिहड़ा एक स्कूल का हेडमास्टर है उहदे जिहड़े टीचर्स नाल रिलेशन ऑफ फ्रेंडली होनी चाहिए है, जे फ्रेंडली रिलेशन नहीं होंगे तो टीचर कदे भी अपनी प्रॉब्लम्स हेडमास्टर नाल शेयर नहीं कर पाएंगे, इवन हेडमास्टर भी अपने प्रॉपर जिहड़े रूल्स एंड रेगुलेशन है वो टीचर्स तो फॉलो नहीं करवा पाएंगे, इसलिए सब तो पहला दोनों के विच एक प्रॉपर बाउंडिंग का होना जरूरी है, फ्रेंडली रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। सेकेंड अध्यापिका का सत्कार, अध्यापिका का सत्कार या इंग्लिश आप कह सकते हैं रिस्पेक्ट फॉर टीचर, अध्यापक का सत्कार करना बहुत जरूरी है। देखो अध्यापक एक गुरु के तौर पर बच्चों के गुरु के तौर पर है, नैशनल बिल्डर है जेडे कि अपने नेशन को बिल्ड करते हैं, बच्चों को ज्ञान देकर अगे लेके जाते, इसलिए रिस्पेक्ट इज मस्ट फॉर द टीचर, जे हेडमास्टर टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे, इसलिए अध्यापकों को जो उन्होंने बनता प्रॉपर रिस्पेक्ट है वो हेडमास्टर वालों मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। थर्ड अवॉयड क्रिटिसिजम या फिर कह सकते हो आलोचना ना करना, आलोचना ना करना इंग्लिश दे विच तुसी की कह सकते हो अवॉयड क्रिटिसिजम, क्रिटिसिजम देयर मस्ट बी अ क्रिटिसिजम बट हेल्दी क्रिटिसिजम, क्रिटिसिजम आलोचना होनी चाहिए बट इन अ हेल्दी वे, मतलब यह ना हो नेगेटिविटी ना फैले, क्रिटिसिजम इन्होंने अकॉर्डिंग तो आलोचना होनी नहीं चाहिए, जे किसी तरह किसी अध्यापक ताई या बच्चे ताई कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली उन्होंने बुला के डिस्कशन की जा सकती है बट क्रिटिसिजम नहीं आप उन्होंने कर सकते। फोर्थ पॉइंट इज व्यक्तिगत विखरेवे नूं मन्नन वाला, व्यक्तिगत विखरेवे नूं मन्नन वाला मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस नूं एक्सेप्ट करन वाला, दैट कैन एक्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और कहते हरेक व्यक्ति हरेक टीचर दूसरे टीचर नालों वक्रा हुंदा ते हेडमास्टर दे जिहड़ा पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह का होना चाहिए भी व्यक्तिगत विखरेवे नूं मन्ने, उहनूं पता होवे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जिहड़ी पर्सनैलिटी है वह की हुंदी है डिफर हुंदी है। नैक्सट इज पक्षपात ना करन वाला, पक्षपात
ना करन वाला किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश आपां कह सकते नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी किस्म का पक्षपात नहीं होना चाहिए। जिन्हें भी अध्यापक है जिन्हें भी बच्चे सारा इको कैटेगरी दे विच रखे इको तरह ही उन्होंने रिस्पैक्ट जिनी जिनी बनती है देनी चाहिए है। यह नहीं हो किसी ज्यादा मिल रही है किसी घट मिली है। पक्षपात तो रह कोई धर्म के आधार से कोई जाति के आधार से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सारे इक्वालिटी के बेस से उन्हें ट्रीट करना होंगे। अध्यापक विचार वटांदर अध्यापक विचार वटांदर एक प्रिंसीपल का फर्ज होंगे भी जिन्हें भी अध्यापक है उन्होंने टाइम टू टाइम अपने विचार जो साझा करता रहे क्योंकि विचार साझे करने एक ही बंदा जो चाहे वह लीडरशिप के आधार से एक इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है पर एक लीडर भी दूसरे व्यक्तियों के विचार की जरूरत पैंती है। इसलिए जो अध्यापकों विचार वटांदरा करेगा तो जिहड़े अध्यापकों के विचार है वह लैके अपने विचार लैके स्कूल एक अलग ही सक्सैस तक पहुंचा सकता है। नैक्सट इज स्टाफ मीटिंग। स्टाफ मीटिंग तो होनी बहुत जरूरी है। स्टाफ मीटिंग देखो की बेनीफिट मिलता है, टीचर्स नूं की प्रॉब्लम आ रही है, सिलेबस कितना तो कंप्लीट हो गया, बच्चों के रिगार्डिंग बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू की है, कितने बच्चे हैगे आ जिहड़े अपने बिलो रेशो दे जा रहे हैं, उन्होंने किवें अप लैके आना है। तो मीटिंग दे विच सारियां डिस्कशन बहुत ईजी हो सकती है, इसलिए स्टाफ मीटिंग टाइम टू टाइम अरेज करनी बहुत ज्यादा जरूरी होंगी है। लास्ट पॉइंट इज हेल्पफुल टू टीचर। हुण एक जिहड़ा अपना हैड है वो टीचर्स लिए हेल्पफुल होना जरूरी है क्योंकि टीचर जो तो बच्चों को पढ़ाता है या एक इंस्टीट्यूशन के काम करता है तो उन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पैदा है। तो जो अपने स्कूल का हैड है उनका फर्ज बनता है भी एक टीचर के सामने जिन्हें भी डिफिकल्टीज आदि उन्होंने किवें रिमूव करी। नैक्सट आ गया अपना लास्ट जगा रिलेशनशिप ऑफ हैडमास्टर विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स किस तरह के रिलेशनशिप होनी चाहिए है। फर्स्ट पॉइंट आएगी विद्यार्थियों की भलाई, वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की भलाई जिन्हों तुसी की कह लोगे वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट। ता एक प्रिंसीपल का की फर्ज हुंदा है, वह विद्यार्थियों की भलाई लिए काम करे, जो भी एक इंस्टीट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन पास करता है, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है पॉलिसीज किस बेस से बनाई जानिया चाहिए भी उस बच्चों की कितने ना कि भलाई छुपी हो। उस अकॉर्डिंग हेडमास्टर का फर्ज बनता है भी जो भी एक्टिविटीज पॉलिसीज बनाता है बच्चों की भलाई का उन्हें खास तौर पर ख्याल रखना होंगे। सैकेंड मित्रतापूर्ण हमदर्दी सूझबूझ। हम एक प्रिंसिपल सारे गुण होने चाहिए, मित्रता का फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, हमदर्द होना चाहिए, प्लस सूझबूझ इंटेलीजेंसी होनी भी बहुत जरूरी है। मित्रतापूर्ण कई बार हम देखते हैं बच्चे बहुत वे हो जाते हैं, प्लस वन प्लस टू लैवल के जो बच्चे देखते हैं बहुत वे हो जाते हैं बच्चे, तो उन्होंने फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के उन्होंने चीजा समझा सकते हैं। उसके अलावा हमदर्दी की भावना होनी बहुत जरूरी है, किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो हमदर्दी पुछ के उन्होंने सोल्यूशन प्रोवाइड करे। इसके अलावा सूझबूझ इंटेलीजेंसी होनी बहुत जरूरी है भी किसी प्रॉब्लम किस तरह वो हैंडल कर सकते हैं। नैक्सट इज विद्यार्थियों की पहचान, रेकोगनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की पहचान, स्टूडेंट की रेकोगनाइजेशन होनी बहुत जरूरी है। मतलब स्टूडेंट का फेस देख के रीड कर लें स्टूडेंट के मन में की चल रहा है, स्टूडेंट के की विचार है, उन्होंने की नैगेटिविटी थॉट्स आ रही है, उन्होंने मन में की पॉजिटिविटी। तो स्कूल जिन्हें भी स्टूडेंट है हेडमास्टर का फर्ज बनता है स्टूडेंट रेकोगनाइज कर सके, स्टूडेंट को चंगी तरह समझ सके। मीटिंग विद स्टूडेंट, जिस तरह स्टाफ दी मीटिंग होंगी है उवे जिकर एक हेडमास्टर का फर्ज हों स्टूडेंट्स के नाल भी टाइम टू टाइम मीटिंग करे। स्टूडेंट नाल मीटिंग करने की है स्टूडेंट ने जिहड़ी भी प्रॉब्लम है जो अपने अध्यापक या टीचर्स नाल शेयर नहीं कर सकते तो हेडमास्टर नाल शेयर कर सकते हैं। किसी भी किस्म दी कोई वातावरण कोई एटमोसफेयर नाल संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्टडी नाल रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह की मीटिंग अरेज करके हेडमास्टर उन्होंने प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। शिकायतों का निवारण, शिकायतों का निवारण, बच्चों दी जो भी कंप्लेन्ट्स आंदी है टाइम टू टाइम बच्चे कोई भी कंप्लेन्ट कर सकते हैं, लाइक गर्मियों के विचों कह सकते उन्होंने ठंडा पानी नहीं मिल रहा या फैन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं सही हो रही, रूम के विच गर्मी है, कोई टीचर उन्होंने सही नहीं पढ़ा रहा, तो इस तरह शिकायत कंप्लेन्ट्स बच्चे प्रिंसीपल के सामने मीटिंग के विच रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हेडमास्टर का फर्ज की पाता है उन्होंने कंप्लेन्ट्स नूं टाइम टू टाइम सोल्व करे, जो सोल्व नहीं करेगा तो बच्चे शिकायत करने का कोई भी फायदा नहीं रह जाता। लास्ट पॉइंट इज विद्यार्थियों की स्वतंत्रता, जिन्होंने कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट्स,
देखो विद्यार्थियों की स्वतंत्रता होनी बहुत जरूरी है, पूर्ण तौर पर नहीं पार्शली तौर पर आप कह सकते हैं, पूर्ण तौर पर विद्यार्थियों को स्वतंत्र नहीं कर सकते, पार्शली तौर पर मतलब इन्ना कुछ स्वतंत्र कर सकते हैं भी विद्यार्थी खुल के अपने विचार अपने सामने रख सकन, आपका सैल्फ कॉन्फिडेंस है जो डिवेलप कर सकन, इन्नी कु इंडिपेंडेंस बच्चों को होनी चाहिए भी अपने विचार है जो भी उन्होंने मन के जो धारनावान चल रही हैं अध्यापक या हैडमास्टर के नाल शेयर कर सकन, तो इन्नी कु फ्रीडम बच्चों को होनी बहुत जरूरी है। तो यह अपना अज का टॉपिक, ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर हो गया, तो नैक्सट वीडियो के नैक्सट टॉपिक लेकर आवा। थैंक यू।